हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम देखेंगे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड केसेस ऑफ डेथ तो हम बेसिकली होमिसाइडल सुसाइडल एक्सीडेंट आर्सन सारे केसेस में जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं सो इन दिस लेक्चर वी विल बी इंक्लूडिंग फ्यू स्टेप्स लाइक प्रोटेक्शन स्कैनिंग डॉक्यूमेंटेशन सर्चिंग कलेक्शन लेबलिंग एंड पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग तो ये हमारा आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम होने वाला है सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है किसी भी केस में जैसे कि होमिसाइड होमिसाइड यानी कि अगर वो मर्डर है ठीक है फिर सुसाइड, अगर सुसाइड करा है एक्सीडेंट थेफ्ट चोरी हुई है आर्सन, आगजनी के केसेस तो हर केस में एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है तो हम वो देखने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्राइम सीन प्रोसीजर हम दो तरीके से बात करने वाले हैं एक क्राइम सीन प्रोसीजर क्या होती है हो, और एक फॉरेंसिक में प्रोसीजर क्या होता है तो क्राइम सीन में हम सबसे पहले रिकगनाइजेशन फिर डॉक्यूमेंटेशन फिर कलेक्शन प्रजर्वेशन लेबलिंग एंड फॉरवर्डिंग ये होता है क्राइम सीन प्रोसीजर मतलब क्राइम सीन पर पहुंच के हमें क्या काम करने होते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो रिकोगनाइजेशन से लेके फॉरवर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस ये पूरा प्रोसीजर होता है इसके बाद में अगर हम ये फॉरेंसिक एग्जामिनेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे अब क्राइम सीन पर हो चुका है सारे एविडेंसेस वहाँ पर पैक करके उन्होंने फॉरेंसिक लैब में भेज दिए हैं तो अब ये दूसरा होता है अब लैब में एग्जामिनेशन होना है तो सबसे पहले तो फिजिकल एविडेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे फिर उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बायोलॉजिकल है केमिकल है किस ब्रांच का एविडेंस है उसे उस उस जगह पे भेज दिया जाता है फिर कंपैरिजन होता है एविडेंसेस का एक स्टैंडर्ड होता है हमेशा कंपेरिजन करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड चाहिए होता है तो हमेशा स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी होते हैं उनसे हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन को क्वेश्चन मतलब कि जिस पर उन्होंने पूछा है कि ये

और यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो स्टेप वन इज़ क्राइम सीन सिक्योरिटी टू इज़ स्कैनिंग और सर्वेइंग ऑफ द क्राइम सीन थर्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन फोर्थ सर्चिंग फिफ्थ स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस एंड प्रजर्वेशन सिक्सथ स्टेप इज लेवलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ऑल द एविडेंसेस एंड द लास्ट स्टेप इज फॉरवर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस तो इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें पूरा क्राइम सीन मैनेजमेंट जो है इन्वॉल्व हो रहा है सो लेट स्टार्ट विद आर स्टेप वन विच इज क्राइम सीन सिक्योरिटी अब क्या होता है कोई भी क्राइम कमिट हुआ ठीक है तो जहाँ वहाँ पर जो फर्स्ट रिस्पोंडर पहुँचेगा उसका काम क्या होता है इन्फॉर्म करना सबसे पहली बात तो इन्फॉर्म करना होता है पुलिस को पुलिस स्टेशन है उनको इन्फॉर्म करो और फिर उसके बाद में जो फर्स्ट वहां पर पर्सन पहुंचता है उनका काम होता है क्राइम सीन को सिक्योर करना सिक्योर क्यों करना जरूरी है क्योंकि नहीं तो वहां पर क्या होगा कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और हमें पता है हमारे इंडिया में क्या होता है कोई भी क्राइम कमिट होता है तो सबसे पहले लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन लेकर वीडियो ऑन करके वहां पे पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाने लगते हैं साथ ही में अगर मीडिया आ जाए तो मीडिया भी वहां पे क्या करते हैं मीडिया भी तुरंत उस क्राइम सीन पर घुस के और न्यूज़ रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमें क्राइम सीन को सिक्योर करना है तो सिक्योर करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं रोप्स के थ्रू या फिर बैरिगेड्स के थ्रू या वो आपने टेप दिखा होगा जो क्राइम सीन सिक्योरिटी टेप होता है येलो कलर का जिसपे लिखा होता है क्राइम सीन ऐसे करके वो पूरा उससे सिक्योर कर देते हैं या बैरीगेट्स लगा दिए जाते हैं या इवन अगर बैरीगेट्स भी अवेलेबल नहीं है तो अपने ऑफिशियल जो भी व्हीकल्स हैं वो व्हीकल्स लगा के उस क्राइम सीन को सिक्योर कर दिया जाता है तो मेन काम फटा फट है फटाफट से सिक्योर करना मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं क्राइम सीन सिक्योरिटी की जैसे लेवल वन टू और थ्री ये डायग्राम मैंने डिज़ाइन कराया आपके लिए जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए लेवल वन सिक्योरिटी क्या है कि हमने ओवरऑल क्राइम सीन को सिक्योर कर लिया जनरल पब्लिक वहां पर एंटर नहीं कर सकती है लेवल टू क्या होता है एरिया सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफिसर्स इवन वहां पर मेन ऑफिसर्स भी एंटर नहीं कर सकते उस एरिया में सिर्फ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है एक या दो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं जो मेन वहाँ पर काम कर रहे हैं इस एरिया में वो ही एंटर करेंगे इसके अलावा और कोई भी ऑफिशर्स uh, जो हैं ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ एंटर नहीं करेंगे फिर हम लेवल थ्री की बात करेंगे ये है टारगेटेड एरिया सिक्योरिटी इस ये पर्टिकुलर मेन एरिया जो है यहाँ पे हो सकता है डेड बॉडी मिली हो सबसे ज़्यादा एविडेंस अवेलेबल हो ये वो टारगेटेड एरिया सिक्योरिटी है तो तीन लेवल की सिक्योरिटी होती है लेवल वन इसके बाहर जनरल पब्लिक खड़ी हुई होती है ठीक है इसके अंदर नहीं एंटर कर सकते हैं इस वाले बैरिगेट के अंदर मतलब इस लेवल वन के सिक्योरिटी के अंदर लेवल टू वाला जो है यहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो खड़े हो सकते हैं एंटर मतलब इस इतने एरिया में फिर लेवल थ्री टारगेटेड एरिया सिक्योरिटी रहता है यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं करता है अब मीडिया को भी एंट्री देना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है फिर यहाँ एक होता है कमांड सेंटर की अगर मान लो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फटाफट से कमांड सेंटर जो होगा इनको यहाँ से बुला लिया जाएगा ठीक है फॉर हेल्प तो यहाँ पर होता है ये लेवल वन सिक्योरिटी के अंदर होता है और लेवल वन सिक्योरिटी के अंदर ही मीडिया सेंटर भी अलाउ कभी कभी कर दिया जाता है तो ये हो गया क्राइम सी सिक्योरिटी अब हम बात करते हैं अपने स्टेप नंबर टू की स्टेप नंबर टू पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में देना चाहती हूँ कि अगर आप नोट्स चाहते हैं पी चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टेप टू की हम बात करेंगे स्कैनिंग और सर्वेइंग द क्राइम सीन हम हमें क्या करना है सबसे पहले एक वॉक थ्रू फॉर जनरल आइडिया एक हमें क्राइम सीन का राउंड ले लेना है ऐसा नहीं कि आप कंटेमिनेट करते हुए चलो एविडेंसेस को स्पॉइल करो ऐसे नहीं करना है बस आपको एक जनरल आइडिया लेना है कि क्राइम सीन है क्या ठीक है एक एक राउंड लेना है दिस इज वॉट स्कैनिंग और सर्विंग सर्वे करने के लिए फिर उसके बाद में आगे का प्रोसीजर चालू होता है स्टेप नंबर थर्ड यहाँ से मेन अब हमारा काम चालू हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन हमें क्राइम सीन का डॉक्यूमेंटेशन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है है इसके लिए कुछ मेथड्स होती हैं मेथड्स कैसे मैं आपको बता देती हूं सबसे पहला होता है नोट मेकिंग अब नोट मेकिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे नोट मेकिंग में जब क्राइम सीन पर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाता है उनकी पूरी टीम होती है तो वहाँ पर एक पर्सन होता है जो सिर्फ नोट्स बनाने का काम कर रहा होता है जो भी चीजें वहां पे देखी गई हैं जो भी क्राइम सीन है सारी चीजें एक पेपर पर नोट्स तो यहाँ पर नोट मेकिंग होती है कि जो भी वहां पर रिकॉर्ड इवेंट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है अपने हाथ से उन्हें सबको लिखना है ठीक है डिटेल्ड नोट्स होते हैं और ये ऐसे नहीं होते हैं कि पॉइंट्स वाइज लिख रहे हैं डिटेल्ड नोट्स होती हैं सेकेंड इज फोटोग्राफी यहाँ पर हर एक एविडेंस की हर पूरे क्राइम सीन की फोटोग्राफी होती है अब इसके भी स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जो फॉरेंसिक फ़ोटोग्राफी करते हैं और अलग अलग एंगल्स से ली जाती है इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं ये नॉर्मल ऐसा नहीं है कि जैसे आप फोटो खींच के डाल लेते हो ये वो फोटोग्राफी नहीं दिस इज़ डिफ़रेंट हर एक एंगल से हर एक कॉर्नर से फ़ोटोज़ जो है वो ली जाती हैं नेक्स्ट इज़ वीडियोग्राफी अब वीडियोग्राफी भी की जाती है क्राइम सीन्स की बट वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा नहीं की जाती है कि हर केस में हो रही हो बट स्टिल वीडियोग्राफी भी की जाती है फिर होता है स्केचिंग 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 में क्या होता है है थोड़ा सा डिटेल्ड पे आ जाता एरिया कई तरीके से होती है ठीक है एक रफ स्केच होता है जो नोट मेकिंग की तरह ही है कि नोट्स जो तुरंत बनाए जा रहे हैं ऐसे ही रफ स्केच सामने जो दिख रहा है उसको जल्दी से रफली ड्रॉ कर लूँ कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है सारी चीजें एक रफ बनता है एक फाइनल बनता है स्केचिंग के लिए वीडियो मैं इसके बाद जो है वीडियो आएगा वो पूरा स्केचिंग पर ही बेस्ड होगा तो इसके आगे वाला वीडियो देख लेना सारी चीजें मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ स्केचिंग कैसे होती है कितने तरीके के होते हैं कैसे बनाया जाता है स्केच ये सब मैं बताऊंगी ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड फोर्थ स्टेप पर आ जाते हैं विच इज़ सर्चिंग सर्चिंग में क्या हो रहा है अब भाई हमें सर्च करने हैं एविडेंसेस किसी भी क्राइम सीन पर सर्च इज़ कंडक्टेड टू अनकवर फिजिकल एविडेंसेस दैट विल पोटेंशियली डू द फॉलोइंग बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं उन्हें सर्च करना है जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा डिटरमाइन द फैक्ट्स ऑफ द क्राइम क्राइम के फैक्ट्स क्रिमिनल की आइडेंटिटी हमें पता चलेगी मतलब हम सस्पेक्ट को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं एड इन अरेस्ट एंड कॉन्विक्शन ऑफ द क्रिमिनल कि क्रिमिनल ने क्या जो है क्राइम uh, कमिट किया है ठीक है वॉट इज द क्रिमिनल कॉन्विक्टेड फॉर अब सर्चिंग की ना मेथड्स होती है अब हम उन मेथड्स को डिटेल में देख लेते हैं पहली है स्ट्रिप मेथड ठीक है स्ट्रिप मेथड में क्या हो रहा है स्ट्रिप इसे हम लाइन मेथड भी बोलते हैं इस तरीके से क्या होते हैं स्ट्रिप्स बना लिए जाते हैं ये एक क्राइम सीन है ठीक है ये पूरा एक क्राइम सीन है तो इस तरीके से स्ट्रिप्स बना के ठीक है स्ट्रिप्स बना के यहाँ पर सर्च जो है वो चालू कर लिया जाता है अब यहाँ पे क्या होता है मान लो ये यह, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज़ पॉइंट ऑफ एंट्री यहाँ से चालू करा ये 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 यह, फिर यहाँ पे एक पर्सन आ जाएगा फिर यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से ये पूरा जो है यहाँ पे सर्च स्टेप बाई स्टेप चलता है दिस वॉज एंट्री और ये हो गया यहाँ पर एग्जिट ये होगी स्ट्रिप मेथड इसके बाद में यहाँ पर ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है एक या दो लोग मिलकर यहाँ पर पूरा जो है इस मेथड में सर्च कर सकते हैं इसके अंद में आती ग्रिड ग्रिड मेथड मेथड अब में क्या हो रहा है ग्रिड सर्च सर्च बोलते हैं इन दिस मेथड इज कंडक्टेड बाय टू और मोर पीपल इसमें दो से ज्यादा लोग चाहिए क्यों क्योंकि ये ग्रिड बना रहा है ये आप देख सकते हो ग्रिड्स अब ये यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी में हम ग्रिड्स बना दें है ना ये ग्रिड्स तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग लगते हैं जो ग्रिड मैथड में सर्च करते हैं नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे और दो और मेथड्स हैं क्वाड्रेंट या फिर जोन सर्च अब इसमें क्या हो रहा है क्वाड्रेंट में यहाँ पर आप देखो ये क्वाड्रेंट्स बना लिए ना ये ये ज़ोन क्वाड्रेंट आपने मैथ्स में पढ़े होंगे क्वाड्रेंट्स बनाए जाते हैं क्वाड्रेंट वन टू थ्री ऐसे करके क्वाड्रेंट्स हैं तो इन क्वाड्रेंट्स में सर्च की जाती है ठीक है अब यहाँ पे हर एक स्मॉलर एरिया के लिए जैसे ये है तो यहाँ के लिए एक पर्सन यहाँ सर्च करेगा दूसरा पर्सन यहाँ सेकंड वाले में सर्च करेगा तीसरा थर्ड वाले क्वारेंट में और चौथा फोर्थ क्वारडेंट में अब आप इसे और जोन्स में डिवाइड कर सकते हो जैसे ये था इसको हमने और डिवाइड कर दिया तो अब इन पर्टिकुलर जोन्स पर भी हमने एक एक पर्सन छोड़ दिया एक दो तीन चार हर जोन में तो ये एक मैथड यहाँ पर बहुत थोरली इन्वेस्टिगेशन करा जाता है थोरली यहाँ पर सर्च की जाती है तो यहाँ पर एक प्रॉपर इनके पास मैं

इनवर्ड स्पायरल और अंदर तक सर्च करते करते आए यह आउटवर्ड स्पायरल कि हमने सेंटर से स्टार्ट करा और हम फिर सर्च करते करते बाहर आए ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव मेथड नहीं है ठीक है बट स्टिल हो सकता है कि कोई जो डिपेंड करता है आईओ पर कि उन्हें कौन सा मैथड सबसे बेस्ट लग रहा है वो मेथड वो चूज करते हैं ठीक है बट हाँ स्पायरल इज नॉट दैट अफेक्टिव मैथड अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर फाइव पर आएंगे कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस एंड प्रजर्वेशन अब हमें यहाँ पे एविडेंसेस को कलेक्ट करना है साथ ही में हम दूसरा मोटिव ये है कि हमें उन्हें प्रिजर्व करना है क्योंकि अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो एविडेंस जो है वो टाइम के साथ में ख़त्म हो जाएगा जो हमने लॉ पढ़ा था एक हमने लॉ पढ़ा था स्टार्टिंग में जिसमें वो ये बोलते हैं कि टाइम के साथ एविडेंस डिग्रेड होता है और कंटेमिनेट भी होता है इसलिए हमें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है तो एक बार क्राइम सीन सर्च कर लिया थर्ली डॉक्यूमेंट हो गया पूरा हमने नोट कर लिया और एविडेंसेस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो कलेक्शन बेसिकली स्टार्ट होती है सबसे फ्रिजाइल एविडेंसेस जो है मतलब जिनके खराब होने के जिन्हें टूटने के या फिर लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो सबसे पहले फ्रिजाइल एविडेंसेस को कलेक्ट करा जाता है ठीक है फिर उसके बाद में उन्हें पैक भी किया जाता है वो मैं भी बताऊंगी स्पेशल कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी गिवन टू एनी एविडेंस और ऑब्जेक्ट विच नीड टू बी मूव्ड सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन उन्हें भी दिया जाता है जो एविडेंस मूव कर सकते हैं जिन्हें मूव करना आसान है छोटा एविडेंस उसको पूरा का पूरा उठा के रख लेते हैं लेकिन मान लो अगर कोई एविडेंस बड़ा है उन्हें नहीं लेके जा सकते मान लो दीवार है पूरी उस पर कुछ मिला है तो पूरी दीवार तो नहीं लेके जा सकते ना तो हम उसमें से क्या करते हैं स्क्रैप कर लेते हैं या वो पार्ट जो है वो निकाल लेते हैं तो या मान लो पूरी कबॉर्ड है पूरा अलमरा है कबॉर्ड है तो पूरी कबर्ड तो नहीं लेके जा सकते ना तो वहाँ पर जो मेन जगह है उसको फोटोग्राफ करना अगर फोटोग्राफ करके प्रिजर्व कर सकते हो तो फोटोग्राफ कर लो अगर आप उसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो एक्सट्रैक्ट करके रख लो तो इस तरीके से लॉजिकल मैनर आपको अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा उस तरीके से आपको वहाँ पे एविडेंसेस को कलेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है अब फिजिकल एविडेंसेस क्या क्या हो सकते हैं ब्लड स्टेन्स सेमिनल स्टेन्स हेयर फाइबर एंड थ्रेड ग्लास पेंट फायराम एविडेंसेस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट लेटेंट फिंगरप्रिंट लेटेंट मतलब जो दिख नहीं रहे हैं बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे ब्लड सीमेंट, सलाहबा पेंट चिप्स हो सकते हैं सॉइल शू प्रिंट्स टूल मार्क्स टायर मार्क्स इम्प्रेशन एविडेंसेस बहुत सारे होते हैं फिजिकल एविडेंसेस हम किसी अलग लेक्चर में एक पूरा फिजिकल एविडेंसिस के बारे में ही पढ़ेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं सिक्स स्टेप जो है लेबलिंग एंड पैकेजिंग अब हमने एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए अब हमें उन्हें प्रॉपर्ली पैक करना है और लेबल करना है कि इस कंटेनर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है किसने इसे कलेक्ट कराया सारी चीज़ें और हमें यहाँ पर प्रजर्वेटिव भी यूज़ करने होते हैं अगर एकवायर्ड है मान लो कि ब्लड है तो उसमें भी प्रजर्वेटिवस डालने पड़ेंगे या कोई टिश्यू मिला है उनमें प्रिजर्वेटिवस डालने पड़ेंगे तो हर एविडेंस को कलेक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल ऑफिसर को नहीं मालूम होगा ठीक है उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही जो होता है उन्हें ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं या फिर फॉरेंसिक टीम आती है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के लिए उन्हें ये मालूम होता है कि किस तरीके से बिना कंटेमिनेट करे बिना स्पॉयल करे बिना उन्हें डिस्ट्रॉय करे हमें एविडेंसेस को कलेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी क्राइम सीन का तो जब हमने एविडेंसेस को मान लो अगर हमें ब्लड मिला है तो हम उन्हें बाइल्स में ब्लड पूल है तो हम उन्हें बाइल्स में इकट्ठा कर लेंगे बाइल्स में ले लेंगे फिर उन्हें प्रजर्वेटिव ऐड करेंगे उन्हें हम क्लोज करेंगे और फिर हमें उनमें क्या करना होता है हमें उन्हें प्रॉपर्ली लेबल करना होता है पैक करने के बाद में और उनमें लेबल करने पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कौन सा एविडेंस है नेम ऑफ द एविडेंस केस नंबर होना चाहिए पुलिस स्टेशन फिर कहाँ कलेक्ट हुआ है प्लेस ऑफ कलेक्शन नेम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटर फिर साइन ऑफ इन्वेस्टिगेटर और दो विटनेस होने चाहिए हमेशा एविडेंसेस कलेक्ट करते टाइम पे आपके दो विटनेस जो हैं उनका नाम और यहाँ साइड में उनका सिग्नेचर यहाँ पर ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें हर एविडेंस के ऊपर होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब एविडेंस पैक हो जाता है तो उस पर सील लगाई जाती है अगर पैकेजिंग गड़बड़ है या फिर सील ब्रोक है तो वो एविडेंस फॉरेंसिक लैब में एक्सेप्ट नहीं करा जाता है उसे वहां से ही वापस कर दिया जाता है लास्ट स्टेप आता है हमारा फॉरवर्डिंग कि अब हमें एविडेंसेस पैक हो गए हमने कलेक्ट कर लिए पैक कर लिए लेबल कर लिए अब ये एविडेंस हमें भेजने हैं फॉरेंसिक लैब तक तो वो कौन लेकर जाएगा तो कोई भी पुलिस ऑफिसर ठीक है हेड कॉन्स्टेबल जो है जो यहाँ से चालू होता है हेड कॉन्स्टेबल जो है वो लेके जा सकते हैं तो कोई भी पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल उनको असाइन करा जाता है कि आपको सारे एविडेंसेस जो है वो एफएसएल तक लेकर जाने हैं तो एक कार्टून के अंदर जो है सारे एविडेंसेस को पैक कर दिया जाता है और कार्टून को भी प्रॉपरली पैक कर देंगे लेबल कर देंगे और जब एफ में जाते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि कार्टून दे दिया नहीं हर एविडेंस मान लीजिए टॉक्सिकोलॉजी का है तो वो विसरा है तो वो टॉक्सिकोलॉजी में जाएगा अगर बैलिस्टिक का सामान है तो वो बैलिस्टिक में जाएगा केमिस्ट्री डिवीजन का सामान है वो वहाँ जाएगा फिर उसके बाद में सीरो का सामान है ब्लड से रिलेटेड जो भी सामान है वो सीरोलॉजी में जाएगा आई मीन एविडेंस सामान यहाँ पे मेरा मतलब एविडेंस से है ठीक है तो जो भी एविडेंसेस हैं हर फील्ड के एविडेंस जो हैं वो अलग अलग हर डिवीजन के एविडेंस अलग अलग डिवीजन में ही जाते हैं तो वो काम भी किसका होता है पुलिस ऑफिसर का कि आप लैब तो पहुँच गए पर आप लैब में एक जगह सारे एविडेंसेस को नहीं रख सकते हो आपको पर्टिकुलर डिवीजन में जाके पर्टिकुलर डिवीजन का वहाँ पर आपको देना पड़ेगा तो टॉक्सिकोलॉजी का अलग बैलिस्टिक का अलग डीएनए का अलग केमिस्ट्री अलग सीरो

हर डिवीजन का अलग होता है और साथ में फॉरवर्डिंग लेटर होना ज़रूरी होता है हर एविडेंस के साथ में अगर फॉरवर्डिंग लेटर नहीं है तो यहाँ पर एविडेंसेस पर टेस्टिंग नहीं की जाती है क्योंकि उस लेटर में ये चीज़ लिखी होती है परमिशन दी हुई होती है कि आप इस पर्टिकुलर एविडेंस के साथ में जो है टेस्टिंग कर सकते हो आप इसे काट सकते हो आप इसे फाड़ सकते हो जो भी सारी परमिशन है वो दी हुई होती है तो अगर फॉरवर्डिंग लेटर नहीं है तो भी वो एविडेंस वहीं से वापस कर दिया जाएगा तो ये बेसिकली था पूरा क्राइम सीन मैनेजमेंट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा हम किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे कि लैब के अंदर जब एविडेंस पहुंच जाता है तो क्या चीजें होती हैं और अगर आप ये देखना चाहते हो कि टॉक्सिकोलॉजी डिविजन में क्या होता है तो मैंने ऑलरेडी टॉक्सिकोलॉजी uh, डिवीजन में किस तरीके से विस्तरा की कटिंग होती है और किस तरीके से बॉयल करते हैं पॉइजन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मैंने वीडियो जो है ऑलरेडी पोस्ट करे हुए हैं मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी साथ ही मैं आप यहाँ आई बटन पर प्रेस करके भी वो वीडियो देख सकते हो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो था अगर पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा थैंक यू सो मच सी यू सून एन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय